असलम एवरी वन दिस इज़ डॉक्टर एजाज वारिसस एंड आई वेलकम यू ऑल और माई यूट्यूब चैनल मैं अभी जस्ट देख के आया हूँ रात का शो कायदम जिंदाबाद का फिल्म रिलीज़ हो गई है आज और रात का पहला शो था और आई वॉज देयर इन दिनमा आई जस्ट वॉच द मूवी मूवी कैसी है बहुत से लोगों की हाइपस ऑन है बहुत से लोग जानना चाह रहे हैं लेट मी टेक यू टू द स्टोरी लाइन फर्स्ट ऑफ द फिल्म कायद अजम जिंदाबाद बहुत सारी हाइप्स थी नबील कुरैशी के साथ कि ये फिल्म कैसी होगी उनका बैनर का एक नाम होता है एक लेवल होता है सो so हम सब बहुत एक्साइटेड थे सो आई जस्ट वेंट द सिनेमा एंड आई जस्ट सॉ द मूवी स्टोरी लाइन बड़ी डिपिक्टेड सी है सिंपल uh, सी है कि एक बच्चा है जिसके वालद जो पुलिस में हैं अब वो बहुत ही ईमानदार हैं वो बच्चे से ये कहते हैं ऐसा बचपन में उसको के तुमने बिल्कुल ईमानदार बनना है और तुमने ये जो नोट है जिन पे कायद की फ़ोटो है इनका एहतराम करना है लेकिन बच्चे के दोस्त उसको टॉन्ट करते हैं तो बच्चा थोड़ा आ, मतलब बगावत कर जाता है बाप से और फिर वो आ, इस तरह नहीं उसकी बात मानता और भड़ो के वो पुलिस अफसर बन जाता है लेकिन ऐसा पुलिस अफसर बनता है जो कि रिश्वत भी लेता है और बहुत सारे दो नंबर टाइप काम भी करता है मतलब पैसों के मामले में इस दौरान उस पुलिस अफसर जो कि अब बन चुके हैं फहद मुस्तफ़ा उनकी मुलाकात होती है माहिरा ख़ान से जो कि एक एनिमल लवर हैं और वो बड़ा ख़्याल रखती हैं जानवरों का और घर में बड़ा संभाल के रखती हैं और भाई नटखट सी हैं चुलबुली सी हैं दोनों तो में प्यार हो जाता है और फिर क्या होता है जनाब के जो उनके वालिद हैं जो कि पुलिस अफसर बड़ा ईमानदार हैं वो जान जाते हैं कि उनका बेटा जो फाद मुस्तफ़ा है वो एक बहुत ही करप्ट पुलिस ऑफिसर है उसके बाद क्या होगा किस तरह से बाप बेटे का सामना होगा और फिर किस तरह कहानी यू टर्न ये मैं नहीं बताऊंगा ये आपको सिनेमा हॉल बताएगा बिकॉज सिनेमा हॉल में जाके फिल्म तो देखनी पड़ेगी आपको उम्मीदें मुझे पता नहीं क्या मुझे लगता है कि जब मैं किसी फिल्म की बुराई करता हूं या अच्छाई करता हूँ मैं कुछ अब अनरिलायबल फील करता हूँ अपने आप से क्योंकि मैंने फिल्म बुल की बुराई की थी फिल्म सुपरहिट like हो गई थी बट यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ मेरे साथ कि मुझे फिल्म इतनी मज़े की नहीं लगी मेरी फिल्म से बहुत ज़्यादा देखिए मुझे पता है हम सबको पता है कि फहद मुस्तफ़ा लुक्स ग्रेट इज़ ए ग्रेट एक्टर मायरा ख़ान भी बहुत प्यारी आई हैं प्यारी लगती हैं ये दोनों बहुत अच्छे हैं पर इन लोगों को स्क्रिप्ट चाहिए टाइट किस्म का इस पर ये अच्छा काम कर सकें इतना अच्छा कैमरा वर्क इतनी अच्छी ग्लॉसी कैमरा और इतनी अच्छी लोकेल्स और इतने अच्छे एक्टर्स आपके पास हैं फहद मुस्तफ़ा और माहिर ख़ान लेकिन फ़िल्म में दम नहीं है फिल्म की कहानी जिस पन्ने पर टिकी हुई है जब आप देखेंगे आपको आइडिया हो जाएगा वो पन्ना बहुत वीक है आई हैव एक्सपेक्टेड अ लॉट फ्रॉम दिस मूवी बिकॉज बैनर भरा था बट फिल्म जब आप देखते हैं तो आपको लगता है कि ये तो बहुत ही रूटीन पहला हाब बहुत रूटीन का था दूसरा हाब बहुत ही बच गाना था और जिस लॉजिक पे फिल्म को चलाया गया है वह फिल्म मुझे समझ में नहीं आ रही है फिल्म का म्यूजिक इज जस्ट ओके ठीक गाने हैं जो याद नहीं रहेंगे आपको फिल्म देखने के बाद स्क्रिप्ट इज एवरेज डायलॉग वुड हैव बीन बेटर आई डोंट नो क्या है सीन क्या हुआ है एक्टिंग वाइज हमारे मैंने पहले भी बात की सारे एक्टर्स बहुत अच्छे हैं नगे एजाज बहुत अच्छे हैं भाई लेकिन इन सब को आप अच्छा स्क्रिप्ट देंगे तब तो अच्छा काम करेंगे ना मुझे गिला एक्टर से नहीं मुझे गिला इस बार कहानी से है स्क्रिप्ट से है और डायरेक्शन से है कि मज़ा नहीं आया हालांकि सब कुछ था आपके पास बैकअप में एक अमेजिंग डायरेक्टर नबील था आपके पास आपके पास एक्टर्स थे लेकिन आपने वो उनसे काम नहीं लिया गया आ, क्या कहूँ मैं अब और फिल्म बस ठीक है आ, एक रिफॉर्मिंग सी मूवी है जो कि आपके आ, एक आइडियल सिचुएशन देती है काश ऐसा हो जाए पर ऐसा होता नहीं है लाइफ में आ, आप एक स्टेज के बाद में बोर हो जाते हो फिल्म एकदम से वो हो जाती है एनीवेज आप जाइए जाके सिनेमा हॉल में देखें बताएं मुझे आपकी क्या राय है और इफ़ यू एग्री विद मी नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको ये फिल्म कैसी लगी देखने के बाद ये फिल्म ईद पे आ जाएगी पाकिस्तान भर में आज ये फिल्म मिडिल ईस्ट में रिलीज हो गई है मैंने देख ली है सो uh, so, फिल्म जो है जिंदाबाद इट्स सिंपल एवरेज मूवी नथिंग न्यू टू ऑफर ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कुछ नया नहीं है फिल्में ऐसा जो दिखाने लायक होता और जो इतनी मेहनत की गई है आई डोंट नो वो कहाँ चली गई आई विल नॉट से आई विल नॉट बी हार्श बट फ्रॉम माय साइड 2.5 पॉइंट फाइव स्टार्स ओवर फाइव फॉर दिस मूवी फुल मार्क्स टू मायरा खान एंड फाह मुस्तफ़ा वर एक्टिंग बट कोई फ़ायदा नहीं है ना जब डायलॉग्स ही मजे के नहीं है स्क्रिप्ट ही मज़े का नहीं है और एक तो और बात है कि सलीम मिराज साहब हमारी फिल्म हमारे बहुत ही बड़ा नाम है हमारी इंडस्ट्री का उनको एक छोटे से रोल में मार पिटवाई गई फ्रॉम फाद मुस्तफ़ा मुझे अच्छा नहीं लगा वो बिकॉज सलीम मिराज इस बहुत लेवल का बंदा है उनको ऐसा ही रोल नहीं करना चाहिए थे एनी वेज ख़ान साहब भी हैं फिल्म में और बाकी सपोर्टिंग कास्ट भी ठीक थी एनी गुड लक टू द मूवी अब देखते हैं मूवी कैसा बिजनेस करती है मैंने कहा ना जब मैं किसी फिल्म को बुरा कहता हूँ तो फिल्म चल भी जाती है अब देखते हैं इस फिल्म के साथ क्या होता है फ्रॉम माई साइड टू पॉइंट फाइव स्टार्स फॉर कदम जिंदाबाद